एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनके हवाले स्वास्थ्य विभाग भी है। ये जो ऑपरेशन हुआ है एबीपी न्यूज का कोलकाता कांड पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह से आंखों को खोल देने वाला है। पर्दे के पीछे किस ढंग से षड्यंत्र रचे जा रहे थे, इसकी जानकारी देश की जनता को नहीं थी। मैं एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इसमें ममता बनर्जी की सरकार के जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूँ। जिस ढंग से घटना के बाद दीपापोती की गई और जनता के समक्ष, उनके परिवारजनों के समक्ष, उन जो षड्यंत्र रचे गए उनकी जानकारी भी नहीं हो पाई थी, एबीपी न्यूज ने जानकारी पूरे देश को देने का काम किया है। और मैं अदालत से विनती करता हूँ, इसमें कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे पूरे देश के लिए एक लेसन स्थापित हो। बहुत सारी चीज़ों को छुपाने का काम किया है एबीपी न्यूज़ के जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं, उन्होंने उस गुत्थी को सुलझाने का काम किया है, उसका पर्दाफाश किया है। हाँ, एबीपी न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है, पर्दाफाश किया है, और इसको केस को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। और आप देखेंगे कि उस बेटी के साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ है वो अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, बड़ी से बड़ी सजा दी जाने की डिमांड मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।